हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार माय डियर स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है ऑन दिस अगस्त की पहली तारीख का करंट अफेयर मॉड्यूल करंट अफेयर का आज का मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज नोन एज जीके बूस्टर करंट अफेयर बूस्टर दे विल हेल्प यू टू इंप्रूव ऑन मैनी थिंग्स नॉट जस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम बट

इज सेल्फ यसर नो यू आर आस्किंग समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ कि अच्छा ये क्यों हुआ फलाना क्यों हुआ डिगना क्यों हुआ बट मैनी टाइम्स वी अगेन से डोंट नो अबाउट सर्टन एरिया ऑफ नॉलेज एंड देयर बाई वॉट वी एंड अपट एबल टू डेवलप राइट काइंड ऑफ इंक्वायरी सो अंटर अ गाइड विल हेल्प यू कि ये मुद्दे में चल क्या रहा है ठीक है, एंड देन यू विल डेवलप योर ओन इंक्वायरी ऑन दैट मैटर एंड दैट इज वॉट गाइडेड इंक्वाइडी यू हियर कम्स एन एडिटोरियल ऑन मॉब लिंचिंग दोस्तों वी ऑल अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ मॉब लिंचिंग मॉब मॉब एक झुंड हो जाता है ठीक है उनके मन में ऐसा लगता है दैट दी अदर पार्टी दट इज अदर पर्सन हैज कमिटेड सम क्राइम एंड दे आर दे आर अगेंस्ट दे आर ओन ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे कम इन द लार्ज ग्रुप एंड अटैक ऑन दैम एंड पॉसिबली किल दैम ठीक है इन इंडिया मॉब लिंचिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन वेरियस मैटर्स वन ऑफ द मैटर इज ऑनर किलिंग अनदर मैटर इज काजिलटिजम दट मीन्स काव और जो कैटल्स होते हैं उनको अगर कोई इ कैन से पर्टिकुलर एक कैन से ग्रुप ऑफ पीपल पर्टिकुलर रिलीजन के लोग पर्टिकुलर एथनी सिटी के लोग उनको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो एक रूमर फैल जाती है कि अच्छा इन लोगों ने इस तरीके से गलत काम किया और सब लोग इकट्ठा होकर उसको मारने पहुंच जाते हैं दैट इज़ नोन एज इ कैन से काउ विजिलेंटिज़्म ऑनर किलिंग देखा काउ विजिलेंटिज्म देखा ह्यूमन ट्राफिकिंग हो गया किडनेपिंग ऑफ चिल्ड्रन हो गया अलग अलग कारणों की वजह से प्राइमरली दिस यू कैन से मॉब लिंचिंग और एनी सच काइंड टेक प्लेस ऑन सर्टन वलनरेबल ग्रुप दे बिकम विक्टिम्स मेजरली मुस्लिम एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान बिहार मध्य प्रदेश एंड हरियाणा ठीक है सो इन लोगों को इन्होंने डांट लगाई क्या डांट लगाई वॉट इज द इश्यू विच इज टेकन प्लेस द कोर्ट सेड दैट लुक वॉट द पास्ट फाइव ईयर्स ठीक है आपने पिछले पांच सालों में क्या क्या किया बताइए ठीक है दिस इज अ पिटिशन फाइल बाय नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंड दैट इज अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द वेरियस स्टेट्स 2018 में सुप्रीम कोर्ट हैड इश्यूड गाइडलाइन एम्फाइजिंग द स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिटिजन एंड प्रिवेंट विजिली हम सब लोग साथ में एक स्टेट में रहते हैं और एक साथ जब रहते हैं तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अटेकिंग ऑन सर्टन माइनॉरिटी ऑफ पीपल तो माइनॉरिटी की सुरक्षा तो होनी चाहिए न ठीक है उसकी जिम्मेदारी किसकी है माइनॉरिटी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी या इवन ठीक है से छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पीपल या इवन लार्ज नंबर ऑफ पीपल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है स्टेट की है ना ठीक है और अगर स्टेट यही करने में नाकामयाब रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको डांट लगाएगा ठीक है दिस गाइडलाइंस इंक्लूडेड कि भैया आप अच्छे पुलिस ऑफिसर लगाइए ठीक है मॉब वायलेंस को कवर करने के लिए कंट्रोल करने के लिए रोकने के लिए अलग अलग एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन करिए ठीक है और ये उन्होंने 2018 में कहा था दो में हम बैठे हैं 2023 में वैन वी आर सिटिंग इन दिस इनारी स्टिल द मॉब लिंचिंग इज गोइंग ऑन ठीक है एंड गवर्नमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस एंड सुप्रीम कोर्ट और यही एडिटोरियल uh, का कहना है दिस इज ऑल हैपनिंग इन द रूलिंग बीजेपी स्टेट्स क्योंकि उनका कहना है ऑथर का कहना है दैट इट मे बी इन्फ्लुएंस बाय द आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग बीजेपी सो वॉटर इज द बी स्टैंड दैट इज रूलिंग पार्टी स्टैंड उनकी जो आइडियोलॉजी उनकी जो विचारधारा है वही विचारधारा शायद इन्फ्लुएंस कर रही है इन मुद्दों को और इसकी वजह से यह दिक्कत पड़ रही है अपार्ट फ्रॉम विजिलेंटिज्म ना वॉट डू मीन बाई विजिलेंटिज्म विजिलेंटिज्म का मतलब हो गया कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है कि रूल को इंप्लीमेंट uh, करने का काम उनका है ठीक है एंड देन दे इम्प्लीमेंट दोज रूल एंड देम सेल्स आइडेंटिफाई कि सामने वाला बंदा क्रिमिनल है और वही खुद सजा देने के लिए तैयार हो जाता है उसको बोलते हैं विजिलेंटिज्म सो नॉट जस्ट विजिलेंटिज्म बट सोशो इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैिगर्ड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज यू कैन से जो सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट माइनॉरिटी का किया गया उसको रूलिंग पार्टी ने सपोर्ट कर दिया कि अच्छी बात है आप उनको बॉयकॉट कर लीजिए वेन यू बॉयकॉट देम इट इज गुड एंड देर बाई मॉब लिंचिंग टेक्स प्लेस कोर्ट का ऑर्डर आर एसेंशियल टू होल्ड द स्टेट एजेंसी अकाउंटेबल तो उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है ठीक है स्टेट का ऑर्डर सॉरी कोर्ट का ऑर्डर जरूरी है हवेवर इस मिनेस को इस बदी को टैकल करने के लिए नॉट ओनली द कोर्ट कैन हैंडल दिस इट इज अ कंसल्टेड एफर्ट ऑफ वेरियस सिविल सोसाइटीज आर रियली इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज है कि देश के अंदर फ्रेटर्निटी की भावनाओं को डेवलप करना चाहिए भाईचारे के साथ रहना चाहिए ठीक है एंड ऑलवेज एवॉइड टाइप कास्टिंग सर्टन काइंड ऑफ पीपल से बाहर वाले है ना ये बहुत होता है घर वाले बाहर वाले ठीक है हमने देश को अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर तोड़ने के लिए बड़ा रोक लगाने की कोशिश करी थी देश को हम ऐसे तोड़ना नहीं चाहते थे ठीक है पर फाइनली तोड़ना ही पड़ा है ना पूरे देश को अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर और उस लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर भी आज झगड़े होते रहते हैं कि आमी दिस तुम ही है ना काइंड ऑफ थिंग सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज ठीक है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया तमिलनाडु का कि कैसा एक तमिलनाडु एक नाम का स्टेट है जो हिस्टोरिकली वेरी एक्टिव सेक्यूलर स्टेट रहा है रैशनल मूवमेंट का स्टेट रहा है और यहां पे बहुत कम इंसिडेंट्स होते हैं इस तरीके के वायलेंस के क्यों कम होते हैं क्योंकि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी होता है और जो है ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ जाकर अपनी बातें करता है तो इसलिए वो सेक्युलर रहता है सो देरफॉर कंक्लूजन ये कहा इन्होंने टू प्रिवेंट मॉब वायलेंस एंड एट्रोसिटी अगेंस्ट द माइनॉरिटीज और ऑर्डिनरी शुड नॉट जस्ट रिलाई ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन बट वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन कॉम्प्रीहसि एट ऑल लेवल्स ये उन्होंने कहा ठीक है इज दट वेरी क्लियर वेरी गुड अब उन चलते हैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो सेम ऑल्टमैन जो लेकर आ रहा है सैम ऑल्टमैन नाम सुना होगा आपने ठीक है, सीईओ ऑफ से ओपन ए आई ओपन चैट जीपीटी ओपन ए आई बनाता है और ये उसके सीईओ है और ओपन ए आई को सपोर्ट करने वाले इलोन मस्क और बहुत सारे और लोग ठीक है और उनका ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट क्या है भैया प्रोजेक्ट ध्यान से सुनना वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट क्या किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के द्वारा चलिए समझते दोस्तों है ना ओपन ए के सीईओ सैम ऑल्टमैन ठीक है उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये अनाउंस किया दैट वी आर कमिंग अप विथ वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट वॉट इज वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट ठीक है प्राइमरली एक डिजिटल नेटवर्क बनाने की बात है नोट करना बड़ा महत्वपूर्ण है उसके इंप्लीकेशन आगे फ्यूचर में क्या हो सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं और कितना अच्छा होगा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है किसने उसको अपोज किया ये सब बात समझते हैं वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है दे आर गोइंग टू क्रिएट डिजिटल नेटवर्क वेर हम सब लोग आप और मैं हम सब लोग उसमें अपना कोई स्टेक मांग सकते हैं ठीक है और हम इस डिजिटल इकोनॉमी में ज्वाइन करेंगे डिजिटल इकोनॉमी में आज आप और मैं कैसे पार्टिसिपेट करते हैं वी आर पार्टिसिपेटिंग थ्रू आवर फोन दैट्स एन फिजिकल फ्रंट बट मेजरली वी एंटर ध्यान से सुनना मेजरली वी एंटर थ्रू एन ई और अ मोबाइल नंबर समझ में आया ठीक है अब ये ईमेल और मोबाइल नंबर किसी ने हैक कर दिया या किसी ने उस मोबाइल नंबर को कहीं गलत यूज़ कर दिया तो आप उस मोबाइल नंबर को फिर चेंज करना पड़ेगा फिर आपकी सब जगह पर डिजिटल नेटवर्क के अंदर जो आपकी एंट्री है है ना वो नए नंबर से लानी पड़ेगी तो बड़ा दिक्कत वाला काम है समझ रहे हैं ना बड़ी चैलेंज है कल उठ के आपका ईमेल हैक हो गया आपका मोबाइल नंबर बिगड़ गया या मोबाइल नंबर हैक हो गया आपको चेंज करना है तो आपके डिजिटल नेटवर्क में आपको पूरा बदलाव करना पड़ेगा सो दिस सेम ऑल्टमैन कम्स अप विथ बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट कॉल्ड वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट इट इज गोइंग टू क्रिएट डिजिटल नेटवर्क आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनाएंगे आपकी आइरिस स्कैन कराकर क्या होगा आपकी आइरिस स्कैन करी जाएगी आइरिस स्कैन करने के बाद उसका एक कोड जनरेट होगा और वो कोड आपको डिजिटल नेटवर्क में एंटर करने का आपका पासकोड होगा अब आपकी आइरिस और उसके साथ कनेक्टेड कोड और कोई तो छीन नहीं सकता उसका हैकिंग तो हो नहीं सकता आपकी अब को कोई चेंज नहीं कर सकता समझ में आया दोस्तों ठीक है तो उनका एम क्या है कि वी आर क्रिएटिंग न से डिजिटल नेटवर्क वेर यू कैन पार्टिसिपेट बाई योर आईरिस सिंपल ठीक है और ये आईरिस कैसे क्रिएट होगी है ना अब बड़ा सवाल है आईरिस क्रिएट कैसे होगी उसका डेटा कैसे जनरेट होगा चलिए समझते हैं ठीक है दे दिस दैट वी आर क्रिएटिंग एन डिवाइस कॉल ऑर्ब डिवाइस क्या है ये रहा आपके सामने ऑर्ब क्या डिवाइस है ऑर्ब समझ में आया ऑर्ब नाम का डिवाइस है जो वर्ल्ड कॉइन वॉलेंटियर्स के पास होगा दे विल बी नोन एज ऑर्ब ऑपरेटर और ऑल ऑर्ब वॉलेंटियर्स दे स्कैन पर्सनस आईरिस पैटर्न ठीक है एंड वहाँ से है उनका बायोमेट्रिक डेटा क्रिएट होगा और उनको एक वर्ल्ड आईडी मिलेगा क्या मिलेगा वर्ल्ड आईडी ठीक है एक वर्ल्ड ऐप के द्वारा ये मिलेगा नाम ही उसका वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट है सब कुछ जगह पे वर्ल्ड वर्ल्ड आएगा नो yes no? समझ में आया सो वंस यू गेट वर्ल्ड आईडी ठीक है एंड वर्ल्ड ऐप एंड व्हेन यू आर अभी तो इंसेंटिव दे रहे हैं कि जब आप अपना और के पास जाकर अपनी आईरिस दोगे तो वो आपको कॉइन देगा क्या देगा जब आपका विलिंगनेस है कि आप एंटर कर रहे हो तो हम आपको कॉइन देंगे वो उसको नाम दिया जाएगा वर्ल्ड कॉइन अब यह वर्ल्ड कॉइन आपको जो मिलेगा आप कुछ अलग अलग तरीके से वर्ल्ड कॉइन इकट्ठा कर सकते हो बाद में है ना वर्ल्ड कॉइन विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेरियम या इथर में कन्वर्ट किया जाएगा विच अ क्रिप्टो करेंसी और उस नेटवर्क में जाकर आप डिजिटल एक्टिविटी पे काम कर पाएंगे ये सुनो ठीक है उनका कहना है कि वर्ल्ड कॉइन का के अंदर स्कैन आई का स्कैन जरूरी क्यों है तो ऑल्टमैन का कहना है कि हमने एक एक्सपीरियंस देखा इंडिया में आधार कार्ड के साथ इन लोगों ने आई स्कैन कर दी एंड दैट टर्न आउट बी वन ऑफ द सक्सेसफुल मेथड ऑफ यू कैन से यूजिंग पर्सन आइडेंटिटी एंड कनेक्टेड विथ समथिंग इन द वर्ल्ड तो इसकी वजह से दिस इज अ फुल प्रूफ मैथड ठीक है इट इज अ फुल प्रूफ मैथड ऐसा सेम ऑल्टमैन का कहना है ठीक है अब आप मुझे बताइए आपका ओपिनियन क्या है इस मुद्दे के ऊपर कि ये जो वर्ल्ड बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट लाने की कोशिश है जिसके अंदर आपको और मुझको डिजिटल नेटवर्क में जाना है आप और मैं आज की तारीख में जो डिजिटल नेटवर्क में घुसे है दैट इज़ थ्रू आवर ईमेल आईडी एंड दैट इज़ मोबाइल नंबर ठीक है हमें नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है तो नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल के द्वारा हम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं और बहुत सारी गलतियाँ भी होती है है ना बहुत सारे फेक आईडी बन जाते हैं तो यहां पे फेक आईडी की संभावना कम हो जाएगी ठीक है किसी बंदे का आईडी हैक करना बहुत डिफिकल्ट होगा हावेवर देर आर क्रिटिसाइजर्स एंड इज अ क्रिटिसाइजर कॉल एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की एक बड़ी एजेंसी थी उसका एक विसल ब्लोअर था मिस्टर एडवर्ड स्नोडेन है ना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था आपको पता होना चाहिए प्लीज टेल टेल मी हु इज अ विसल ब्लोअर प्लीज टेलमी हुट यू मीन बाई विसल ब्लोअर ठीक ना बताइए दोस्तों हु इज नोन एज विसल ब्लोअर बताइए उन्होंने कहा कि जस्ट मिनट आप काम कैसे करेंगे आपने आईरिस ले लिया है ना आईरिस के बाद आपने आईडी जनरेट कर दिया तो तो आईरिस कॉपी हो सकता है ना तो ये बोलते हैं ना 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 है ना हमारा वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट वर्क ऑन जीरो नॉलेज किसके ऊपर काम करता है दोस्तों जीरो नॉलेज

डिलीट हो जाएगा उस आईरिस के साथ कनेक्टेड जो जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो एनक्रिप्टेड वर्जन में होगी जिसकी वजह से आपका कोड जनरेट होगा वो डेटाबेस में होगा आप अगर चाहे कि नहीं मेरा डेटाबेस आईरिस के साथ ही रहे तो वो आपकी मर्जी है आप अगर डेटाबेस निकालना चाहो डिलीट करवाना चाहो तो हो जाएगा ठीक है ना तो ये जीरो नॉलेज प्रूफ है नई टेक्नोलॉजी लाने की बात है कि भाई आपने जो एक बार इंफॉर्मेशन दे दी वो इंफॉर्मेशन हम पूरा डिलीट कर देंगे और आपके आईडी जनरेट हो जाए दैट इज अ वंडरफुल वे ठीक है हाव एवर एडवर्ड्स नोडेन कहते हैं कि नहीं नहीं इसके द्वारा भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ठीक है इसके द्वारा भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है सो ही इज क्रिटिसाइजिंग दिस मैटर आई होप इट इज वेरी क्लियर समझ आया दोस्तों ग्रेट अगली टेक्नोलॉजी की न्यूज भारत के लिए भारत का इसरो नाम की जो संस्था है इंडियन इन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो उसके फाउंडर थे विक्रम सारा भाई है ना जो बैंगलोर में उन्होंने उसकी स्थापना करी थी नाउ इसरो इज ऑल्सो वर्किंग अलॉट ऑन कॉमर्शियल एक्टिविटी प्रीवियस कॉमर्शियल एक्टिविटी में अंतरिक्ष करके संस्था थी इसरो का ही पार्ट था इसरो की सब्सिडरी थी अब हमने बनाई न्यू स्पेस ठीक है कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एन एस सी पी एल करके हमने संस्था बनाई है जिसका काम है कॉमर्शियल एक्टिविटी करना यह कॉमर्शियल एक्टिविटी के द्वारा हमने सिंगापोर uh, गवर्नमेंट के कुछ सैटेलाइट को स्पेस में लगाया ठीक है किसके द्वारा लगाया हमारा पीएसएलवी वॉट इज पी एस एल वी पी एस एल वी स्टैंड फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च ना क्या लगाया पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नया नाम आ गया विच इज नोन एज एन एस आई एल नेशनल स्पेस सॉरी न्यू एक्सट्रीमली सॉरी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ठीक है सो यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का था विच इज अ कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो अलग अलग कंट्री को कॉमर्शियली जाने में मदद करता है पी का फुल फॉर्म बताने भैया बताइए जीएसएल क्या है ये भी बताइए है ना दैट इज जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोस्तों सेटेलाइट लॉन्च जो हम करते हैं वो हम करते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से कहां से करते हैं हम श्रीहरिकोटा ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि उस मिस्टर सतीश धवन सिमिलरली हम जो मिसाइल टेस्टिंग करते हैं क्या करते हैं भैया मिसाइल टेस्टिंग मिसाइल टेस्टिंग हम कहाँ करते हैं मिसाइल टेस्टिंग वी डू इट एट ए पीजे अब्दुल कलाम आईलैंड ठीक है वेर आर दिस आईलैंड प्लीज टेल मी द लोकेशन ठीक है और न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हम कहाँ करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग वी डू एट डू इट एट पोखरन ठीक है ना चलिए बढ़ता बड़ी मजेदार सी चीज हो रही है भारत के अंदर सिनेमाटोग्राफी के लिए दर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 में बनाया गया था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के अंदर आता है 2019 में हम ये अमेंडमेंट लेकर आने वाले थे प्राइमरली अमेंडमेंट का ओवरऑल गोल था कि फिल्म पायरेसी के खिलाफ लड़ाई लड़े वी ऑल नो फिल्म पायरेसी इज अग इश्यू वी ऑल गेट ऑल पाइरेटेड आइटम्स ऑन टेलीग्राम बड़े बड़े लेवल के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है अब ये बिल

क्यों स्टैचूटरी क्योंकि एक स्टैचू के द्वारा बनी गई है ये सनो इट रिक्वायर्स मूवीज़ के अंदर कुछ कट करना जैसे ओपन एमर मूवी का आपने सुना होगा ठीक है किसी मन मिनिस्टर ऑफ आई एन बी ने ही उसके खिलाफ हल्ला बोल दिया था कि इसका ऐसे कैसे कर रहे हो आप कैसे अलाउ कर रहे हो ठीक है ना ऐसा बोल दिया था हावेवर उनके हाथ में वो पावर नहीं है ठीक है तो ये बड़े बड़े चेंजेस लाने की बात है क्या मेजर चेंजेस है समझिए एग्जाम में अच्छे सवाल बनेंगे पहला एडिशनल सर्टिफिकेट कैटेगरी बनाई गई ठीक है अंडर दिस एक्ट फिल्म में बी सर्टिफाइड फॉर एग्जीबिशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मूवी के ऊपर आगे लिखा होगा यू सर्टिफिकेशन ठीक है विदाउट रिस्ट्रिक्शन बट सब्जेक्ट टू गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन तो वो आएगा गार्जियन ऑफ चिल्ड्रन बिलो ट्वेल्व इन ऑफ एज इट इज नोन एज यू ए

यूएस सेवन प्लस यू ए थर्टीन प्लस एंड यूएसटी प्लस समझ में आ गया यूएस सेवन प्लस यू एस प्लस एंड यू एस प्लस तो अब उसके द्वारा कितनी कैटेगरी बन गई एक यहां पे हो गई आपकी टोटल तीन कैटेगरी ये एक और ये एक मिला जुलाकर आपके पास हो गई तीन तीन कैटेगरी बन गई देर विल बी सेपरेट सर्टिफिकेशन फॉर टेलीविजन एंड अदर मीडिया फिल्म with A or S certificate will require separate certification for exhibition on television or any other media which is prescribed by central government. ये उन्होंने बोल दिया बहुत अच्छी बात है आना भी चाहिए हमें साथ में पायरेसी के लिए या अनऑथोराइज रिकॉर्डिंग के लिए या उसके एग्जीबिशन के लिए पनिशमेंट डाल दिया अगर आप मूवी देखने जा रहे हो मूवी के दौरान आपने अपने फोन का कैमरा के द्वारा पूरी मूवी रिकॉर्ड कर ली और फिर बाद में आपने उस मूवी को रिलीज कर दिया तो आपको तीन महीने से लेकर तीन साल की सजा हो सकती है तीन लाख रुपये से लेकर पाँच परसेंट ऑफ दी ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फिल्म विल बी एप्लीकेबल ऑन यू पुराने समय पर फिल्म का सर्टिफिकेशन वॉज वैलिड ओनली फॉर टेन ईयर्स नाउ द फिल्म सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर फॉर एवर परपेचुअली ये नो एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सर्टन पावर ठीक है वो इस लॉक इस अमेंडमेंट में डाल दिया समथिंग विच इज नॉट अफेक्टेड इज द ओ टी टी ठीक है कंटेंट ऑन ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स आर नॉट कवर्ड ठीक है एज बेस्ड कैटेगरी जो ओ टी प्लेटफॉर्म को लगानी है वो सेल्फ रेगुलेटरी है एमेजोन वाला या नेटफ्लिक्स वाला अपनी मर्जी से कुछ करेगा ठीक है तो होगा करके समझ में आया चलिए बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं कल हमने इस न्यूज के बारे में बात करा था नाइजर प्रेसिडेंट के बारे में ठीक है कि नाइजर प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजोम को मिलिट्री ने डिटेन कर दिया और म्यूटी ने लगाकर वहां पे कू कर दिया क्या कर दिया सो व्हाट इज अ वर्ड कु दाते क्या वर्ड है दाते व्हाट इज मीनिंग ऑफ कु दाते इट इज मीनिंग ऑफ मिलिट्री मिलिटरी मिलिट्री कु का मतलब होता है फोर्सफुली मिलिट्री को यूज करते हुए सत्ता की बागदौड़ चेंज कर देना दैट इज कॉल्ड कु दाते नाइजर के प्रेसिडेंट का नाम क्या है मोहम्मद बजोम ठीक है आपने देखा होगा माली बर्कना फासो सुदान ठीक है डीआरसी इन सब जगह पे, दिस इज ऑल कमिंग अंडर साहेल रीजन है ना? साहेल रीजन एक बड़ा वास्ट साउथ सारा डिजर्ट का पार्ट है और वहाँ पे पिछले कुछ सालों से इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोगों का एंट्री करने की वजह से ये लड़ाइयाँ बहुत होने लगी है ठीक है उनमें से ये एक बड़ी लड़ाई है उसी के साथ आप देखिए नाइजर के जो मिलिट्री को सपोर्ट करने वाले लोग थे कि भैया अच्छा मिलिट्री सत्ता आनी चाहिए थी ठीक है उन लोगों ने फ्रेंच एम्बेसी के ऊपर हल्ला बोल दिया याद रहे फ्रांस वॉज रूलिंग ऑन नाइजर नाइजर वॉज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस ऑफ ऑफ जनता रिमेंबर द वर्ड कॉल जनता जनता वर्ड का मतलब होता है मिलिटरी रूलर जस्ट लाइक म्यांमार में इट इज जनता विच इज रूलिंग ऐसा है ना समझ में आया जनता जनता का मतलब हो गया मिलिट्री रूलर सो थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ जनता दे टूक ओवर नाइजर इन अ Coup, ठीक है वेर दे केम ऑन द स्ट्रीट ऑफ कैपिटल कैपिटल क्या है इसका नियामे, में कैपिटल का नाम क्या भैया नियामे, ठीक है एंड दे were chanting द नेम ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट है ना रशिया को सपोर्ट कर रहे थे ये लोग दे ऑल्सो मार्च ऑन द फ्रेंच एम्बेसी ठीक है वेयर दे एक्चुअली लीड द डोर ऑन द फायर तो ये बड़ा पंगा हो रहा है एम्बेसी के ऊपर अटैक हो रहे हैं ना आपने देखा होगा स्कॉटलैंड की एम्बेसी को है ना इराक में वहां पे अटैक हो गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन रिपब्लिक के यहां पे भी मिलिट्री कू हो रहे थे उन्होंने एक रेफरेंडम लगाया नया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और उन्होंने कहा कि भैया जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी जो मैक्सिमम टर्म होती थी दो साल मतलब दो टर्म होती थी उसको और बढ़ावा देते थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करके ये लगाने की कोशिश है प्रेसिडेंट फॉस्टिन आरचानजे तो ठीक है तो नेम ठीक है याद रखेगा ट्विटर की अगली कोई न्यूज है ट्विटर का नाम हो गया एक्स ठीक है और उन्होंने कानिया वैस के अकाउंट को री इंस्टेट कर दिया कानिया वैस को ट्विटर ने बैन कर दिया था क्योंकि पता नहीं वो भाई साहब कुछ ना कुछ ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिस यूज करते थे ऐसा ट्विटर को लगा था और फाइनली उन्होंने इनको निकाल दिया याद रहे दोस्तों फ्रांस वॉज अ मतलब सॉरी नाइजर वॉज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस और नाइजर की जनता को लग रहा है कि फ्रांस इज प्लॉटिंग टू इंटरवीन मिलिटरीली टू री इंस्टेट प्रेसिडेंट बजूम याद होगा आपको ऑपरेशन बरखाने ठीक है जिसको भी पता है क्या है ये प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में स्टडी करिए और मुझे बताइए कि ये एग्जैक्टली क्या है और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने इसको बंद करने का नाम बोला है तो एग्जेक्टली क्या है ठीक है अफ्रीकन यूनियन और रशिया के बीच में एक बड़ी मीटिंग हो रही थी जो मीटिंग इज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ ब्लैक सी ग्रेन का जो डील था जो इस बार कोलैप्स हो गया पूरा कोलेप्स हो गया ठीक है जो डील थी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की यूक्रेन से जो जो भी ग्रेन ना ब्लैक सी के माध्यम से अफ्रीका में जाना चाहिए उसके लिए ये डील थी जो कोलेप्स हो गई जो रशिया ने उसको आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया इसलिए अफ्रीका के देशों को नुकसान हो गया इसलिए अफ्रीका के देश है ना रशिया के साथ मिलने आए ठीक है और उन्होंने कहा कि प्लीज आप ऐसा ना करें तो उनके बीच में डील हुई थी पुतिन ने कहा दैट रशिया इज विलिंग टू शेयर विद द पुअरेस्ट नेशन सम ऑफ द रेवन्यूज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्राइसिस कॉज्ड बाई टर्मिनेशन ऑफ ब्लैक्सी इनिशिएटिव ये जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था वो जो डील कोलेप्स हो गई इसके द्वारा राइ जो जो, जो फूड ग्रेन की प्राइसेस बढ़ गई उस प्राइसेस से जो हमें बेनिफिट होगा जो प्रॉफिट होगा रशिया को उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम आपके लिए खर्च करने के लिए तैयार है जो अफ्रीकन लीडर्स को नहीं पसंद आया ठीक है सेंट पीटर्सबर्ग में ये इवेंट हुई थी और उसके अंदर अफ्रीकन लीडर्स ने इस रशिया समिट को छोड़ के चले गए समझ में आ गया पूरा बैकग्राउंड समझ में आना जरूरी है ये बैकग्राउंड क्या है अफ्रीकन लीडर्स क्यों मिलने गए अफ्रीकन लीडर्स की मीटिंग इतनी क्रुशल क्यों है क्योंकि अफ्रीका एक बड़े फूड क्राइसिस से पास हो रहा है उनके पास फूड है नहीं और फूड है आपके यूक्रेन और रशिया के पास और वहां से जाना चाहिए आपका से ब्लैक सी के माध्यम के द्वारा और ब्लैक सी माध्यम के द्वारा वो जा नहीं पा रहा है और इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने कहा वी वुड लाइक द ब्लैक सी इनिशिएटिव टू बी इंप्लीमेंटेड एंड ब्लैक सी शुड बी ओपन ओपन फॉर ऑल अब यहां एक अच्छा सवाल पैदा होता है मेरा कि क्यों ये ब्लैक सी क्या इनिशिएटिव जब खत्म हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज इसके बारे में कुछ बड़ी बातें क्यों नहीं कर रही है क्यों चाइना भी कुछ बोल नहीं रहा अफ्रीका के लोगों की इज्जत अच्छी नहीं है क्या ठीक है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी ठीक है एंड अगले तीन से चार महीने में करीबन सेवन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टन्स ऑफ फूड ग्रेन वाज़ रिड्यूस्ड ठीक है अगर ये डील साइन नहीं हुई तो इतनी फूड ग्रेन क्वांटिटी निकलना वहां से बंद होगी ठीक है चलिए देखते हैं एक न्यूज फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं डीकपलिंग फ्रॉम चाइना इल्यूज़न हम चाइना से कभी डीकपल नहीं हो पाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकपल डीकपल का मतलब होता है कि हम चाइना को मतलब चाइना के साथ हमारा जो बिजनेस है वह पूरा का पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट तो रहेंगे ही रहेंगे We are totally opposed to the idea of decoupling. The uh, decoupling is an illusion. This is what the finance minister Mr. Bruno Le Marie told in a French embassy. There is no possibility of having any kind of decoupling between American, European, and Chinese economy. Aisa France ke Finance Minister Bruno Le Marie with a Chinese vice premier. हाई लाइफंग बीजिंग में जब मिले तब उन्होंने कहा उसके सामने इटली ने क्या कहा इटली ने कहा ज्वाइनिंग चाइना बी आर आई वॉट इज बी आर आई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ठीक है ये किसका इनिशिएटिव था दोस्तों ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वॉज ऑफ चाइना किस चीज का इनिशिएटिव था ये चाइना अपना ओल्ड सिल्क रूट और मेरी रूट को आगे बढ़ाना चाहता था बहुत पुराना तो इसकी वजह से उन्होंने बी आर आई इनिशिएटिव करा और जो पुराने रूट्स थे उस रूट में जो जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व होते थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये उन्होंने डेवलप करने की बात करी थी जिसको पॉपुलरली न्यू सिल्क रूट भी नाम दिया गया बहुत सारे कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करें ठीक है और इटली ने भी पार्टिसिपेट करा इटली ने कहा बींग पार्ट ऑफ बी आर आई वॉज एन एट्रोशियस एक्ट वाई आर दे टर्मिंग बी आर आई एज एन एट्रोशियस वर्ड समझ में आ रहा है ना? एट्रोशियस एट्रोशियस का क्या मतलब हुआ एट्रोशियस मतलब बहुत ही हार्मफुल बहुत ही ज्यादा बुरा है ना बहुत ही ज्यादा बुरा क्यों बोल रहे हैं ऐसा उनका कहना है कि बी आर आई इसलिए एट्रोशियस है क्योंकि बी आर आई के द्वारा चाइना ने अलग अलग देशों को लोन दी और लोन देकर उनको अपने इतनी महंगी लोन दी और वो लोग लोन नहीं भरपाई कर पा रहे तो चाइना उन एरिया को अपने हाथ में ले रहा है एग्जाम्पल है श्रीलंका श्रीलंका का एक हेम्बेन पोर्ट है उस पोर्ट के ऊपर है ना उन्होंने उसको लोन दिया पोर्ट बनाने का काम दिया चाइना ने पोर्ट बनाया और पोर्ट बनाने के बाद श्रीलंका उसको पैसा दे नहीं पाया तो चाइना ने उस पोर्ट को 99 इयर्स लीज पे ले लिया क्या नाम है उसका हेम्बेन पोर्ट सिमिलरली चाइना ने पाकिस्तान को अंडर बी एक नया सिस्टम डेवलप किया था जिसका नाम था सी ठीक है क्या नाम था उसका सी क्या नाम है उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या नाम है उसका सी सी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना ये उसका नाम है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये ये बिलियंस ऑफ डॉलर का है सेकेंड फेज में दे आर प्रोवाइडिंग सिक्सटी बिलियन डॉलर उतना दे रहे है कहां से कहां तक होगा दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान टू काशगर सिटी इन चाइना ठीक है इतना बड़ा ये है और यहाँ पे बड़े पेमेंट दे रहे हैं ये लोग बड़ा पेमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और लगाएंगे पाकिस्तान भी इससे खुश नहीं है बहुत सारे लोग वहाँ के खुश नहीं है सरकार खुश है ठीक है इंडिया इस बात को पूरा अपोज करता है इंडिया बोलता है कि भाई सी पी एस ई तो हमारे आ, इंडिया ऑक्यूपाइड मतलब सॉरी हमारे जम्मू कश्मीर में से जा रहा है जो अच्छी बात नहीं है है ना आपको ऐसा करना नहीं चाहिए दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज हैपनिंग सुप्रीम कोर्ट इज टिंग है ना लॉर्ड ऑफ वी कैन से क्लियर कम्युनिकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भैया आप जो मणिपुर के अंदर जो काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बताइए ना पूरी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो गिव एज कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ सिक्स थाउजेंड एफ आई आर वॉड यू एव डन ठीक है जो करीबन तीन या चार मे से है ना चार मे से ठीक है अठारह मई तक जो वहां पे इंसिडेंट्स हुए उन इंसिडेंट्स में आप क्या कर रहे थे बताइए देर आर नो एक्सक्यूज वी कैन ग्रांट टू यू अगेंस्ट मणिपुर वुमेन वायलेंस ठीक है बराबर ये क्या मॉब और पुलिस का नेक्सस है बताइए मॉब और पुलिस का ये नेक्सस जुड़ा हुआ है ठीक है और आपको कहीं ना कहीं जीरो एफ तो लगा तो लगानी है ठीक है आज भी ठीक है है ना आज भी दो बजे इसकी हियरिंग होगी एंड विल गेट टू नो क्या सिनारियो क्रिएट होगा मणिपुर का बड़ा प्रॉब्लम आज दिल्ली सर्विसेज सॉरी नहीं आज नहीं कल दैट इज सेकेंड ऑफ ऑगस्ट से दिल्ली सर्विसेज बिल है ना इज गोइंग टू कम अच्छा कल नहीं सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी आज ही है ना कंफ्यूजन हो गया आज से ही है ना लोकसभा में ये बिल आएगा क्या क्रिएट हो रहा है ये बिल आपको याद होगा बैकग्राउंड हमने आपको बताया था ठीक है कि दिल्ली में जो सर्विस दैट इज़ आई एस आई ऑफिसर हो गए है ना वो लोग का अपॉइंटमेंट कौन करेगा उनको कौन सी जगह पे क्या काम देना उसके बारे में पावर किसके हाथ में होगा ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के, के मुताबिक पावर होना चाहिए हाथ में चीफ मिनिस्टर के हाथ में पर यहाँ पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के, के हाथ में करने की कोशिश कर रहे तो अब ये जो नया ऑर्डिनेंस बिल है उसमें एक नई ऑथोरिटी क्रिएट करने का प्लान है जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज ऑथोरिटी एन सी सी एस ए विल बी वोटिंग ऑन ट्रांसफर पोस्टिंग प्रोसिक्यूशन सेंक्शन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स विजिलेंस एंड वेरियस अदर इश्यूज ऑन सर्विस दैट इज सर्विसेस के ऊपर जो आई एस आई पी एस ऑफिसर होंगे उनके ऊपर ठीक है सो देर बाई ऑल ग्रुप ए सिविल सर्विसेस ऑफिसर विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर ऑथोरिटी ये आने वाला है उसका वैलिडिटी uh, क्या होगा किस तरीके से ये काम करेगा हम देखने की कोशिश करेंगे आई बॉम्बे इज कमिंग अप विथ अ न्यू बैच उसका नया बैच चालू होने वाला है और उसके पहले एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स लगाने की बात कर रहे हैं लास्ट ईयर आई बॉम्बे में काफ़ी पंगा हुआ था क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बहुत होता है स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ एस सी एस टी ओ के नज़रिए से ठीक है और इसकी वजह से और वहाँ के बच्चों के ऊपर काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ये दिक्कतें ना हो इसके लिए आई बॉम्बे इज़ पुटिंग अप दिस एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि एक एनवायरमेंट के अंदर एक पढ़ाई के एनवायरमेंट के अंदर इस तरीके के रिजर्वेशन की बातें जो होती है जो अच्छी बात नहीं है आर्टिकल नंबर थ्री की हयरिंग कल से चालू होने वाली है वी ऑल नो आर्टिकल नंबर थ्री सेवनटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कनेक्टेड टू अवर जम्मू एंड कश्मीर डिस्कशन ये नहीं होगा नोट करना बिल्कुल ध्यान से डिस्कशन इस बात का नहीं है कि आर्टिकल 370 का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से क्या कंसिक्वेंस होगा और क्या कंसिक्वेंस अच्छा है बुरा है वो बात नहीं है बात यह है कि क्या आर्टिकल 370 को जो हटाया है ना क्या वो लीगली अप्रोप्रिएट है कि नहीं ठीक है उसकी कंसिक्वेंस सिविल लिबर्टी ऑफ द रीज़न के ऊपर क्या हुई उसके साथ कोई लेना देना नहीं है लेना देना सिर्फ यह बात का है कि क्या गवर्नमेंट ने लीगली इस बात को सही तरीके से किया या नहीं समझ में आया दोस्तों चार साल पहले 2019, फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी मन मर्जी से ये ऑर्डर लिया था और उन्होंने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से है ना उसके ऊपर जो लग रहा था वहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा उसका स्पेशल स्टेटस हटाकर उसको जम्मू कश्मीर और ले लद्दाख दैट इज पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो भागों में तोड़ दिया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया इसी क्वेश्चन के ऊपर कि क्या लीगली ऐसा करना पॉसिबल है कि नहीं आर्टिकल 370 सेवेंटी वॉज ओरिजिनली ड्राफ्टेड विथ वेरियस क्वालिफिकेशन इट रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर एनी एब्रोगेशन कोई भी चेंजेस हो गए उसके अंदर स्टेट असेंबली की जरूरत होगी बट स्टेट असेंबली वॉज डिसबैंडीन फिफ्टी सेवन तो अब तो स्टेट तो तो असेंबली है नहीं गवर्नमेंट यूज आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी सेवन टू अमेंड आर्टिकल थ्री सेवेंटी इफेक्टिवली एब्रोगेटिंग इट्स बेसिक ट्रस्ट विदाउट ऑप्टेनिंग कंसेंट ऑफ स्टेट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर्टिकल थ्री सिक्सटी सेवन के द्वारा स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये कोई भी पार्ट को चेंज करे उन्होंने उस पार्ट को चेंज किया कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अब कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है सो so पिटिशनर ने आर्ग्यू किया दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ आर डेमोक्रेटिक इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको तो उसी तरीके से देखना चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम कहां पर हुई कुछ हुई नहीं यूनियन गवर्नमेंट क्लेम्स दैट प्रीवियस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वर मेड अंडर आर्टिकल थ्री सेवनटी वन डी विदाउट ऑल्टरिंग टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल वन और आर्टिकल थ्री सेवेंटी बट टू थाउजेंड नाइनटीन ऑर्डर altered 367, not 370, which means we are able to do it. हमने कोई गलती करी नहीं है हमने 367 सिक्सटी सेवन हमने हम, हमारे देश के संविधान को बदला है हमने आर्टिकल 370 सेवेंटी जम्मू कश्मीर के अधिकारों को नहीं बदला है 367 के पावर को बदला है ठीक है अब उसके द्वारा आपके ऊपर कोई इंपैक्ट आती है जम्मू कश्मीर के ऊपर इंपैक्ट आती है तो हमारा क्या मतलब है हम तो कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना आर्ग्यूमेंट तो बहुत मजेदार है ठीक है केस विल ऑल्सो इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्मीन्स कुछ स्टेट के पास ऑटोनॉमी है ज्यादा ऑटोनॉमी है और कुछ स्टेट के पास है नहीं ठीक है फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के पास ज्यादा ऑटोनॉमी थी और बाकी कुछ स्टेट के पास नहीं है तो ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म हो गया ना ठीक है तो ये तो अच्छी बात नहीं है कोर्ट्स डिसीजन इज ऑन द लीगलिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑर्डर एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट फॉर इंडिया इन अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मैटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए अकीरा रें वॉज इन द न्यूज ठीक है दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग मैकेजम एंड डबल एक्सट्रोशन टेक्टिक का काम करती है यह रेंसम वेयर है रेंसम मांगती है भैया एक तरीके का सॉफ्टवेयर वायरस है आपके कंप्यूटर में घुसेगा विंडोज और लाइन सिस्टम के द्वारा अंदर घुसेगा और आपके कंप्यूटर में बैठकर शांति से आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को छीन लेगा और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बाद वो आपको अटैक करेगा पहला ठीक है आपके ही डेटा आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे सबसे पहला और उसके बाद आपको वो डेटा वापस देने के लिए आपसे रैनसम मांगा जाएगा दैट इज नोन एज डबल एक्सटोर्शन टेक्टिक समझ में आया दोस्तों बहुत अच्छी बात है अगर विक्टिम इस चीजों को मतलब रिफ्यूज करेगा कि मैं नहीं देता तो आपको बोलेगा मैं पब्लिक में शेम करूंगा आपके इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में डाल दूंगा मेरा तो मानना है कि भैया पब्लिक में वो इंफॉर्मेशन डालना चाहे डालने दीजिए क्या शेम होगा कुछ शेम नहीं होगा ठीक है सबसे पहली चीज ये शेम वाली बात ही हटा दीजिए जिस दिन है ना अगर मानो जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना फॉर एग्जाम्पल होता है लोगों को व्हाट्सएप कॉल आते हैं ठीक है न्यूडिटी वाले व्हाट्सएप कॉल आते हैं और फिर बोलते क्या रहे तुम तो न्यूडिटी वाले व्हाट्सएप एग्रीड आपका उठा दिया क्या करूं मैं मेरी कोई गलती नहीं है द टाइम सम कम अप विद दिस काइंड ऑफ स्टेटस ये जो अपने वाला अटैक है ना वो खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि लोगों को कोई पब्लिक श्रेमिंग से अफेक्ट ही नहीं हो रहा है ये सब पंगा पब्लिक श्रेमिंग का है तो इंडिया में किसने बोला रैनसम वेयर अकीदा को है ना ध्यान रखना है कैसे पंगा करेगा ये सब बताया हमें ये इंडिया का सर्ट इन है। किसने बताया सर्ट इन क्या नाम है उसका सर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ये साइबर सिक्योरिटी को टेकल करने में मदद करती है सर्ट इन याद रहेगा दोस्तों ठीक है बड़ी महत्वपूर्ण है ना बड़ी महत्वपूर्ण है पिछले सात सालों में अमेरिका में पहली बार एक न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू हुआ फर्स्ट इन द सेवन ईयर इन द कंट्री कन्वेंशनल रिएक्टर्स ठीक है आर गिविंग से है ना बड़ा काम नॉर्मल जो काम हो रहा है और बाकी बड़े बड़े रिएक्टर तो वहाँ बंद हो गए थे बराबर है कहाँ पे हुआ जॉर्जिया स्टेट में जॉर्जिया स्टेट में वॉक्टल यूनिट थ्री एट वाइनेस बोरो नाम की जगह पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर चालू किया गया है याद रखिएगा दोस्तों है ना अभी हमने बात करी थी जनता वर्ड के बारे में म्यांमार जनता एक्सटेंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर सिक्स मंथ ठीक है तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कल हमने बात करी थी आंगसंग सुईची के बारे में आंग संग सुई ची ये सन ठीक है इनको गवर्नमेंट उनको प्रिजेंस हटाकर गवर्नमेंट में डाल दिया और अब म्यांमार जनता ने अनाउंस किया कि भाई ये छः महीने का इमरजेंसी एक्सटेंशन है ठीक है ये उन्होंने किया छः महीने का इमरजेंसी एक्सटेंशन फेब्रुवरी 2021 से इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने कहा था एक साल के अंदर ठीक है एक साल के अंदर हम यहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लगा देंगे ऐसा उन्होंने फरवरी 2021 में कहा था वी आर सेटिंग इन 2023 ठीक है मीन आंग हेलिंग ये आर्मी चीफ जो वहाँ के म्यांमार की जनता को संभाल रहे हैं स्वीडन के अंदर पार्लियामेंट के बाहर दो आदमियों ने वापस कुरान को जलाया ठीक है पूरे मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर ये बवाल क्रिएट हो रहा है ठीक है ओके सलवान मोमिका एंड सलवान नाजिम स्टॉम द मुस्लिम होली बुक कुरान ठीक है दे उन्होंने उन पेजेस को फायर पर लगाया और ये दोनों लोगों को स्टॉकहोम में है ना स्वीडन में कोई पंगा हुआ नहीं भैया क्यों नहीं हुआ क्योंकि वहाँ प्लास्टमी के लॉ ही नहीं है काफ़ी बड़ी दिक्कत हो रही है तो ये पता होना चाहिए अंग संग सूची के बारे में कल हमने बात करी थी वही न्यूज़ है आपके सामने ठीक है चलिए ग्रेट सो विद दिस क्लोजिंग दिस मॉडल फॉर द डे आई एम श्योर दिस इज़ कंफर्टेबल फॉर यू आपको पसंद आया होगा आज का सेशन ये सब मुद्दों के ऊपर हमने बातें करी थी ठीक है अगर आपके कोई क्वेरी हो कोई कमेंट हो कोई क्वेश्चन हो हमें बताइए विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चन एंड क्वेरी आपके कोई सजेशन हो तो भी बताइए कि किस तरीके से हम आपको डेली करंट अफेयर के साथ अवगत कराएं क्या क्या काम की न्यूज़ आपके लिए है वो समझाने की कोशिश करें थैंक यू हैव अ ग्रेट डे